क्या हालचाल है भाई लोग, ट्रक्स में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ आवर जनरेशन कान्ये वेस्ट के बारे में। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड फियरलेस आर्टिस्ट जिन्होंने वो सब अचीव किया है जो वो चाहते थे। वो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते थे और वो बन गए। फिर दुनिया के सबसे बड़े रैपर बनना चाहते थे, कान्ये ने वो गोल भी अचीव कर लिया। एंड फैशन लाइन में सबसे बड़े डिजाइनर बनना चाहते थे, उन्होंने वो भी अचीव कर लिया। ब्रूटल कार एक्सीडेंट, रेशियल प्रोफाइलिंग एंड उनकी मॉम के डेथ वगैरह से लेकर दुनिया के सबसे अमीर रैपर बनने तक का सफर तय किया है कान्ये वेस्ट ने। आज हम कान्ये की पूरी स्टोरी जानेंगे, कैसे वो इन सब हालातों से लड़के इस मुकाम तक आए हैं। कान्ये ने हमेशा हार्डवर्क किया है एंड इनफैक्ट उनकी जो अपकमिंग एल्बम है डोंडा, जो उन्होंने उनकी मॉम के नाम पे रखा है, वो एल्बम वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एल्बम है इस डेकेड का। इस वीडियो में ₹500 कैश गिव अवे है, तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको वो कैसे जीतना है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना वीडियो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो कान्ये वेस्ट की पूरी बायोग्राफी होगी, देन इंटरनेशनल हिप हॉप के कुछ अपडेट्स दूंगा और लास्ट में कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट को शाउट आउट के लिए, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी से चैनल एंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं कान्ये वेस्ट की बायोग्राफी। कान्ये वेस्ट, जिनका पूरा नाम है कान्ये ओमारी वेस्ट, इनका जन्म हुआ था जून 8, 1977 अटलांटा जॉर्जिया में एंड कान्ये नाम का मतलब है द ओनली वन। कान्ये वेस्ट के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था जब वो 3 साल के थे एंड बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि हर रैपर के पेरेंट्स का डिवोर्स क्यों होता है, तो भाई लोग ये बाहर का कल्चर है एंड डिवोर्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हमारे इधर का कल्चर अलग है वहां से एंड इसी चीज का हमें गर्व भी होना चाहिए। डिवोर्स के बाद कान्ये और उनकी मॉम शिकागो इलिनॉइस में मूव हो गए एंड उनके डैड जिनका नाम था रे वेस्ट, वो ब्लैक पैंथर पार्टी जो अमेरिका में ब्लैक लोगों के हित लिए बनी थी उसके मेंबर थे। एंड इवन टूपा के मॉम डैड भी उसी पार्टी के मेंबर थे एंड ब्लैक पैंथर पार्टी काफी क्रांति लेके आई थी ब्लैक लोगों के लिए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत अत्याचार होता था ब्लैक लोगों पे अमेरिका में। कान्ये के डैड एक फोटोग्राफर थे एंड कान्ये की मॉम डॉक्टर डोंडा वेस्ट एक प्रोफेसर थी इंग्लिश सब्जेक्ट की शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी में। इवन तो कान्ये की मॉम को अकेले ही सब देखना पड़ता था और पैसों की थोड़ी दिक्कत थी घर पर, लेकिन कान्ये के मामले में वो हमेशा सपोर्टिव थी ताकि कान्ये एक अच्छी लाइफ जी सके। पेरेंट्स के अलग होने के बाद कान्ये उनके डैड से सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में मिलते थे एंड कान्ये को बहुत कम उम्र से ही रैपिंग, आर्ट और पोएट्री में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट वो 3-4 साल की उम्र से ही अच्छी खासी ड्राइंग वगैरह बनाते थे एंड वो लेट 90s के रैपर्स को बहुत सुनते थे। धीरे धीरे ये पैशन डेवलप होता चला गया एंड 7th grade में कान्ये म्यूजिकल कंपोजिशन वगैरह बना लेते थे खुद से ही, और वो उस ट्यून को दूसरे आर्टिस्ट जो कि उनके स्कूल के सीनियर थे उनको सेल कर देते थे कुछ ही पैसों में। और जब वो 10 साल के थे तो उन्हें चाइना मूव होना पड़ा, खोस उनकी मॉम को वहाँ एक यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोफेसर जॉब मिल गया था एंड वो कान्ये को काफी बुरा लगा, खोस उन्हें अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को छोड़कर यहाँ से जाना था। एंड चाइना में कान्ये का एक अलग ही हसल चला, उन्हें थोड़ा बहुत ब्रेक डांस वगैरह आता था एंड वो स्कूल में लंच के दौरान डांस करके दिखाते थे एंड उनका डांस देखने के लिए वो पैसे लेते थे चाइनीज बच्चों से। जैसे कि कान्ये अलग ही दिखते थे चाइना में एंड अलग ही कल्चर के थे, तो वो बच्चों को बड़ी क्यूरियोसिटी थी एंड कान्ये डांस से कमाए हुए पैसों से खूब सारे चाइनीज स्ट्रीट फूड खाते थे। बोले तो नेक्स्ट लेवल हसल। एक साल थे चाइना में कान्ये, देन वो वापस यूएस आए एंड कान्ये फुली इंस्पायर्ड एंड एनर्जेटिक थे अपने नए ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, जो उस टाइम पे था वीडियो गेम डिजाइन करना। इस तरह जाके वो गेमिंग साउंड इफेक्ट से इंट्रोड्यूस हुए एंड वहां से वो चीज उन्हें अच्छी लगी, फिर उनका लगाव वीडियो गेम डिजाइनिंग से म्यूजिक में शिफ्ट हो गया। कान्ये काफी प्रैक्टिस करते थे कीबोर्ड वगैरह में एंड उन्हें फिर रैप भी करने का सोचा एंड इनिशियली वो एक रैपर बनना चाहते थे म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ ही। 13 साल की उम्र में वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह जाने लग गए थे, जो $25 चार्ज करते थे 1 घंटे के रिकॉर्डिंग के एंड उन्हें लगा वो साइन हो जाएंगे किसी लेबल से उस उम्र में ही, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन चीजें इतनी आसानी से आती कहां है, पर कान्ये की मॉम ने उनका फुल सपोर्ट किया कान्ये के ड्रीम्स के लिए एंड कान्ये को उनकी मॉम ने एक बीट मशीन दिलाया ताकि वो उन बीट्स पे रैप कर सके। आजकल तो बीट्स के लिए यूट्यूब पे आप रैप इंस्ट्रूमेंटल लिख दो, बहुत सारे बीट्स आ जाएंगे आपके सामने, बाकी उस टाइम पे ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कान्ये के पास। फिर कान्ये बीट बनाने में इतने परफेक्ट हो गए थे वो बीट मशीन से कि वो इवन अपने बीट को जो लोकल आर्टिस्ट थे उनको बेचते भी थे $50 में। यही नहीं, कान्ये छोटे मोटे जॉब्स भी करते थे स्कूल के बाद ताकि वो पैसे कमा के अपने होम स्टूडियो सेटअप को और बेहतरीन कर सके। ऐसे मेहनत करके उन्होंने अपने होम स्टूडियो में मिक्सर, टर्नटेबल्स और ड्रम मशीन ले आए और उनके कुछ फ्रेंड्स आते थे उनके घर पे जो म्यूजिक वगैरह में इंटरेस्टेड थे एंड ये लोग थे कान्ये के फर्स्ट क्रू, या बोल सकते हैं उनकी प्रोडक्शन टीम थी ये उस टाइम पे एंड इस कलेक्टिव का नाम था कॉन मैन प्रोडक्शन। एंड इस तरह फिर वो एक बंदे से इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम है नो आईडी, ये एक शिकागो के प्रोड्यूसर थे एंड उस टाइम रैपर कॉमन के साथ काम करते थे एंड कान्ये को नो आईडी ने बहुत सारे प्रोडक्शन टिप्स वगैरह दिए कि कैसे सैंपलिंग स्पीड को एडजस्ट
प्रैक्टिस करना है, एंड इस तरह आगे जाके कान्ये का सैम्पलिंग वगैरह सिग्नेचर स्टाइल बन गया। कान्ये म्यूजिक में इतने बिजी हो गए थे कि वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, एंड फाइनली फिर उनकी मॉम की जिद की वजह से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली जैसे जैसे पोलारी स्कूल से 1995 में, एंड ये फिर शिकागो स्टेट यूनिवर्सिटी में गए जहां उनका मेजर सब्जेक्ट इंग्लिश था। बट उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया आधे में ही, कॉज उन्हें अब फुल टाइम म्यूजिक करना था। बट पहले उनकी रैपिंग ब्लू अप नहीं हुई, बल्कि वो ऐसे प्रोड्यूसर जाने जाने लगे थे, कॉज उस टाइम तक वो काफी प्रो बीट्स वगैरह बनाने लग गए थे। ऐसे फिर कान्ये ने प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा, एंड वो इवन गोस्ट प्रोड्यूसर बन गए थे एक रैपर के लिए जिनका नाम था डी डॉट, एंड और भी कई लोकल शिकागो आर्टिस्ट के लिए वो बीट बनाते थे। एंड तब कान्ये एक ग्रुप के भी पार्ट बने जिसका नाम था गो गेटर, एंड गो गेटर के साथ वो एक प्रोजेक्ट में भी काम किया। आगे जाके वो इवन फॉक्सी ब्राउन एंड गुडी मॉब जैसे नेशनली फेमस आर्टिस्ट के लिए भी प्रोड्यूस करने लग गए थे। मींस लोग ढूंढ के आ रहे थे कान्ये को म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनका बस अपने काम से उन्होंने उस लेवल का बना दिया था। ऐसे धीरे धीरे कनेक्शन बना कान्ये का सीन में, लेकिन उनको एक बड़ा ब्रेक तब मिला जब रॉकफेलर रिकॉर्ड्स जो जेजी का रिकॉर्ड लेबल है उसके एक मैनेजर को कान्ये का काम अच्छा लगा, एंड उनके एक बीट जेजी को भेजा, एंड जेजी को भी वो बीट काफी अच्छी लगी। फाइनली वो बीट पे गाना बनाया जेजी ने जो था दिस कैन बी लाइफ। जेजी से मिले कान्ये वो सॉन्ग रिकॉर्डिंग के दौरान, और उस दिन कान्ये ने जेजी को अपने रैप्स वगैरह भी सुनाए थे। जेजी तब ऑलरेडी एक स्टार बन चुके थे एंड कान्ये एक स्ट्रगलर ही थे। जेजी के साथ गाना करने के बाद भी कान्ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, एंड इवन वो रेंट भी ना भरने के कारण उनको घर से भी निकाल दिया था। एंड एक दिन फिर रॉकफेलर रिकॉर्ड्स के स्टूडियो में बैठे थे कान्ये, एंड बीट्स वगैरह प्ले कर रहे थे, एंड इवेंचुअली तब जेजी अंदर आए स्टूडियो के, एंड कान्ये ने उनको कुछ नए बीट्स वगैरह सुनाए, एंड जेजी को सारे बीट्स अच्छे लगे। और उसी दौरान जेजी अपने एल्बम द ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे थे, एंड कान्ये से जेजी ने फिर वो बीट्स वगैरह लिया एंड उस पे काम किया, एंड वो जेजी के एल्बम द ब्लूप्रिंट के सबसे बिगेस्ट सॉन्ग बने। इस तरह पूरे इंडस्ट्री में कान्ये ऐसे प्रोड्यूसर जाने जाने लगे, एंड फिर कान्ये को फुल सपोर्ट मिला रॉकफेलर रिकॉर्ड्स की तरफ से, एंड कान्ये ने अपने एल्बम पे काम करना शुरू कर दिया था। एक दिन कान्ये लूडा क्रिस वगैरह के साथ स्टूडियो सेशन से अपने घर जा रहे थे रात को 3 बजे, और उसी दौरान कान्ये का एक्सीडेंट हो गया। वो एक दूसरे कार से जाकर टकरा गए थे और वो सीरियस इंजुरी से एडमिट हुए हॉस्पिटल में, एंड कान्ये का कहना यह था कि अगर उस दिन उनकी डेथ हो जाती तो उनकी लेगेसी वहीं खत्म हो जाती, सो इसलिए आज भी वो स्टूडियो जाते हैं तो वो ऐसा काम करते हैं जैसे कि वो उनका आखिरी दिन हो। एंड इवन हॉस्पिटल बेड पे भी वो एक बीट मशीन ही मांगे लोगों से, कॉज उन्हें उतना पैशन था उस चीज के लिए, एंड उन्हें अपनी एल्बम कंप्लीट करनी थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उनको हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, फिर भी कान्ये ने काम कंटिन्यू रखा, एंड उनके जोश वगैरह में वायर वगैरह लगे थे। उन्होंने उसके बाद भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली, एंड रॉकफेलर रिकॉर्ड्स के अंडर में उन्होंने अपना पहला एल्बम निकाला फाइनली, जो था कॉलेज ड्रॉप आउट। उस एल्बम में एक गाना था स्लो जैम्स जिसमें जेमी फॉक्स भी फीचरिंग में थे, एंड वो गाना नंबर 1 स्पॉट पे जा पहुंचा बिलबोर्ड पे, एंड ये एल्बम सुपरहिट साबित हुआ कान्ये के लिए, एंड इस एल्बम से वो एक अच्छे प्रोड्यूसर ही नहीं वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स की लिस्ट में आ गए थे कान्ये। कॉलेज ड्रॉप आउट एल्बम के लिए कान्ये को ग्रैमी अवार्ड मिला था, एंड उसके बाद कान्ये ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. आज की तारीख में 22 ग्रैमी अवार्ड से कान्ये के पास, एंड और भी कई हिट एल्बम्स आए थे उनके जैसे लाइफ ऑफ पाब्लो, जीसस, ये जीसस इज किंग वगैरह, एंड अभी मोस्ट अवेटेड एल्बम आने वाली है उनकी जो है डोंडा। एंड अब कुछ पर्सनल चीजें डिस्कस करते हैं कान्ये के बारे में। नवंबर 10, 2007 को ब्रेस्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कान्ये वेस्ट की मॉम डोंडा वेस्ट की डेथ हो गई थी, जो कि कान्ये के लिए काफी हर्टिंग था, बिकॉज उनकी मॉम से वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, एंड बचपन से कान्ये की मॉम ने उनको कोई चीज की कमी नहीं होने दी थी, एंड इस चीज से काफी टाइम लगा उन्हें रिकवर होने में, एंड कान्ये ने नई एल्बम उनकी मॉम को ही डेडिकेट किया है एंड उनके नाम पे ही रखा है। देन 2014 में कान्ये ने किम कार्डशियन से शादी कर ली, एंड इनके टोटल 4 बच्चे हैं, एंड ये रिलेशनशिप भी काफी कंट्रोवर्शियल रही है। कंट्रोवर्सी की बात आती है तो कान्ये के कई कंट्रोवर्सी हुए हैं, जैसे उन्होंने एक बार लाइव टीवी पे बोल दिया था जॉर्ज बुश जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट थे यूएसए के, वो ब्लैक लोग के बारे में केयर नहीं करते, एंड गाइस ये बोलने के लिए काफी गट्स चाहिए। अपने इधर अगर किसी रैपर ने ऐसे पीएम या किसी नेता को बोल दिया तो फिर अलग ही बवाल हो जाएगा। That was Kanye West. And एक बार टेलर स्विफ्ट को जब बेस्ट म्यूजिक वीडियो के लिए VMA अवार्ड मिला तो कान्ये स्टेज पे आए एंड टेलर से माइक लेके उन्होंने ये बोल दिया कि बियॉन्से का वीडियो सबसे बेस्ट है, और ये काफी हर्टिंग था टेलर स्विफ्ट के लिए। Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. And
एंड कान्ये के कई बीफ्स वगैरह भी हुए हैं, वो सब हम उनके अमेजिंग फैक्ट्स वाले वीडियो में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ उनके वेंचर्स के बारे में। 2016 में कान्ये ने ये ट्वीट करके बताया था उनपे 53 मिलियन का कर्जा है, लेकिन कुछ ही सालों में वो वर्ल्ड के रिचेस्ट रैपर बन गए। उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ है उनके यीजी शूज से, जो उन्होंने एडिडास के साथ पार्टनरशिप करके निकाला है एंड पूरी दुनिया में फेमस है ये शूज। ये शूज कान्ये ने ही डिजाइन किया है, इवन इसकी फर्स्ट कॉपी अपने इंडियन स्ट्रीट्स में देखने को भी मिलती है। तो कान्ये ऐसे ही धूम मचा रहे हैं इंडस्ट्री में। एंड ये था गाइस दुनिया के करंट सबसे अमीर रैपर की कहानी। एंड होपफुली डोंडा एल्बम कान्ये भैया जल्दी रिलीज कर दे। तो इसी के साथ कान्ये की बायोग्राफी यहीं खत्म होती है। अब मैं आपको उस इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूं। द बेबी ने LGBTQ कम्युनिटी को एक स्टेज पे गलत बोल दिया, इसलिए उन्हें अब हर जगह से कैंसिल कर रहे हैं। MGK का नया गाना पेपर कट आ चुका है और इसको डायरेक्ट किया है कॉल बेनेट ने। और ट्रिपी रेड ने अपने नया एल्बम ट्रैप एट नाइट की ट्रैक लिस्ट रिलीज कर दी है, जिसमें एक्सेस टेंटेशन भी फीचरिंग में है गाने में। तो अब आ रही शॉर्ट आउट की, लेकिन उससे पहले 500 रुपए गिव अवे का प्रोसेस बता देता हूं मैं आपको। आप लोग कान्ये वेस्ट की फेवरेट लाइन कमेंट करके बताना, जो मुझे सबसे बेस्ट लगे उसको मैं पिन करके विनर अनाउंस करूंगा। तो बिना किसी देरी के कान्ये वेस्ट की फेवरेट लिरिक्स कमेंट करो एंड जीतो 500 रुपीस कैश इन पेटीएम। तो आज का पहला शॉर्ट आउट जाता है भुजन, इनका गाना चिल बेबी सुनना, फिर तलिस्मान इनका गाना फॉलो ऑफ चेक मारना, फिर नमन इनका गाना प्यार का सुनना जरूर, अब है लिटिल शॉट इनका गाना कॉपी मी सुनना जरूर, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है डोप शॉट भाई का गाना भाप की सवारी सुनना जरूर। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आप लोग हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट शॉर्ट आउट के लिए, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना और यार दोस्तों का भी ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। Hey, good morning, Kanye. Shut the f-